लोहरदगा के राजेंद्र भवन कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को कांग्रेसियों ने स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जहां मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि निसार अहमद ने कहा कि शिव प्रसाद साहू खेल प्रेमी, एक अच्छे खिलाड़ी, साथ ही साथ बिहार झारखंड के लोकप्रिय नेता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी पर न्यौछावर कर दिया। वे 2 बार रांची संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए थे, साथ ही वे गरीबों के मसीहा भी थे। उनका पूरा जीवन कांग्रेस संगठन को मजबूत करने व गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। लोहरदगा जिले की स्थापना भी उन्हीं के प्रयास से हुई थी। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में किए गए कार्य व खेल को आगे बढ़ाने में उनके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्य को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा उन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोहरदगा जिले और झारखंड के लाखों दिलों में हमेशा विराजमान रहेंगे। उनके आदर्शों को अपनाकर हम सभी राष्ट्रहित में काम करेंगे। महान जन नेता और इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू जी का आज हम लोग पुण्यतिथि कांग्रेस कार्यालय लोहरदगा में मना रहे हैं। इस मौके पर हम यही कहेंगे कि जिस तरह स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र के विकास के लिए और खास करके कांग्रेस संगठन के लिए समर्पित कर दिया था, आज अगर लोहरदगा को जिला का दर्जा प्राप्त है तो उनका अहम भूमिका रहा है जिला बनाने में। साथ ही साथ लोहरदगा में बड़ी रेलवे लाइन को जोड़ने का उनका एक सपना था, वो भी साकार हुआ है। रांची से 2 बार सांसद रहने का गौरव प्राप्त हुआ है उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में। अब खास करके हम कहेंगे इस क्षेत्र के मजदूर, किसान, नौजवान और खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे और संगठित करके निरंतर क्षेत्र के विकास में अपना पूरा जीवन को समर्पित किया था। न्यूज़ विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट।